The Dost Maidan area has not been sanitized. It has many unexploded artillery shells that can go off any time. आपके जो भाई के साथ ये वाकया हुआ है कहाँ पे हुआ है और क्या मसला था? मसला ये था कि ये बोल रहा था मुझे घूमने जाना है, ईद के बाद मुझे घूमने जाना है। हमें नहीं था, हम उसको जाने ही नहीं देते थे क्योंकि हालात वहाँ पे ख़राब थे। इसके बाद जब ये दोस्त तीसरी कल वहाँ गया घूमने के लिए, वहाँ ये सब पाँच लड़के थे, ये टीन एज के हैं, ये पाँच खेल रहे थे वहाँ पे, जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ वहाँ पे और वो अभी सीरियस है। तो कल जो ये एक और वाक़ा पेश आए, जो ओल्ड आर्टिलरी एरिया है वहाँ, वहाँ पहले आर्मी हुआ करती थी तोस मैदान एरिया में, लेकिन फिर आर्मी उठी वहाँ तो उस एरिया को सैनिटाइज़ नहीं किया गया पूरी तरह से। लोगों को ये बताया गया है, मीडिया को ये बताया गया है और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हाईलाइट करता है कि तोस मैदान जो है वो एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन लोगों को अभी भी खबर नहीं है कि ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है जहाँ जाने के बाद लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई गारंटी नहीं रहती है। इनके क्या जाता है हमारे मरने से? कुछ नहीं जाता इनको। ये छोड़ो, मेरा भाई इतने सारे वहाँ पे हो गए शहीद, इतने सारे वहाँ पे मर गए, कोई वहाँ का केयर कर रहा है? वो टूरिस्ट प्लेस है, वो थोड़ी कोई डेंजरस एरिया। अगर वो डेंजरस है उनको चाहिए कि वो पहले ही बोर्ड लगा के रखेंगे वहाँ पे। मोहम्मद आसिफ वानी इज ओनली 15 इयर्स ओल्ड। Victims of Dost Maidan, dead or injured, have not been given any compensation by the government. In fact, no one has ever come to meet those who have suffered injuries. और गवर्नमेंट की तरफ से न कोई सोशल एक्टिविस्ट ने यहाँ कल से नहीं आया, न कोई बात ही नहीं उठी, तो कोई कंपनसेशन नहीं आए, कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आए। मोहम्मद आसिफ के घर में मातम के बाद खाना खाने के इंतजामात है या नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी देखने के लिए नहीं आया है।